वी थिंक इट्स इजी इट्स इजी हां कब्र के सवालात भी वी थिंक इट्स इजी बिल्कुल मन रब्बुक मा दीनुक मन नबीयुक वल्लाही ब्रिंग फर्स्ट ग्रेडर आउट आस्क हिम मन रब्बुक बेटा अल्लाह अल्लाह रब्बी इस्लाम दीन सब कुछ लेकिन इट्स नॉट इजी और एक टेस्ट सॉरी ऐड कर दूं कि सूरज ग्रुप होता दिखाया जाएगा और जो मोमिन होगा कहेगा कि लेट मी प्रे मेरी असर की नमाज समझेगा असर का फरिश्ते कहेंगे कि ये अब नमाज का टाइम नहीं है सोचे ये कितना बड़ा ट्राई जिसके कॉन्शियसनेस में नमाज है वो वहां भी कहेगा मैंने नमाज पढ़ी और जिसके कॉन्शियसनेस में नमाज नहीं है वो उसके लिए सूरज ग्रुप तो वहां पे जो है ना वहां पे कब्र में क्या काम आएगा रटे रटे अल्फाज काम नहीं आएंगे मेमोरी काम नहीं है कि मेमोरी तो तितर बितर हो जाएगी जब उनके नकीर आएंगे आपके सामने और चीखोगे चिल्लाएंगे क्योंकि वो उनके नकीर ऐसे नहीं कि नॉक 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 सर कैन आई कम इन प्लीज नो नबी का नाम बता दे कम बट ब्रिंग यू नो कॉफी एंड विद टू शुगर्स प्लीज ऐसा नहीं होगा वो चीखते चिल्लाते हुए जमीन को फाड़ते हुए बिजली की आवाज होगी मन रब्बुक मा दीनुक इंसान इमेजिन 6 फीट अंडर द ग्रेव है और फरिश्ते उसके पास हॉरिबल फेसेस के आए हैं अंधेरा है अंधेरा कोई रोशनी नहीं है खेल नहीं सकता जो ना हदीस में अल्फाज है इंसान कहेगा जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह जिंदगी नहीं गुजारी ना काम नहीं किया कहेगा हा हा ला अदरी हा हा ला अदरी आई डोंट नो लेकिन जो ईमान वाला होगा ना युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीन आमनु आमनु यहां पे ये आमनु का जो लफ्ज है ना ये पॉइंट है मेरा बिल कौल साबित फिल हयात दुनिया व फिल आखिरा अल्लाह ताला तस्बीत देंगे स्टेडफास्टनेस देंगे यानी उनके कदमों को जमान के रखेंगे जो ईमान वाले थे दुनिया की जिंदगी में भी और आखिरत में भी सो पॉइंट ये कि आपको ईमान बचाएगा दज्जाल से इस दुनिया में भी और कब्र के सवालात भी जो है ना वो ईमान ही बचाएगा और आपने फरमाया ना सलासतुन इज़ा खरजल ला यनफ़ नफ्सुन ईमानुहा जब तीन चीजें निकल आई तो फिर ईमान इंसान बढ़ा नहीं पाएगा बेनिफिट नहीं कर पाएगा दज्जाल दाबतुल अर्ध तुलू शम्स फी मग़रिबिहा सनराइज़ फ्रॉम द वेस्ट जब वो निकला ना ओ तेरी खैर क्या हो गया अब मैं मुसलमान होता हूं यार अब आमन ईमान को इन सिंपल लैंग्वेज आप कैसे डिफाइन करते हैं ईमान सिंपल लैंग्वेज ये है कि यकीन कि हमने दुनिया से जाना है कुरान की तिलावत करके ना देखिए ईमान इज अ फीलिंग अल्लाह पे ईमान आपका कितना स्ट्रांग है हमें पता है कि कल हमारे से सबसे पहला सवाल होना है नमाज के बारे में हम क्या नमाज ये यकीन होना ना अल्लाह के सामने कि मैंने कल हाजिर होना है और मैंने ईमान को बिल्ड करना है कुरान और हदीस को पढ़े आपका ईमान बिल्ड होगा नॉलेज से ईमान बिल्ड होता है यानी नॉलेज इज द प्रीरिक्विजिट ऑफ ईमान जिससे ईमान बिल्ड होता है और यकीन होना कि कल मैंने आपके सामने जाना है कि दुनिया की जिंदगी फानी है मा इंदकुम यनफद व मा इंदल्लाहि बाक खैर इसके डिफरेंट है लेकिन ईमान बढ़ाएं क्योंकि दज्जाल अगर आ गया और आपने ईमान बढ़ाया ना हुआ ना यू आर ऑलरेडी इन द फितना ऑफ दज्जाल तो मैं आप लोगों से कह रहा हूँ जो मुझे देख रहे हैं अगर हम लोगों ने अपने आप को ईमान पे बिल्डअप ना किया और अपनी औलाद को ईमान का ईमान की डोजेस ना दी यानी कुरान और हदीस पे ना लगाया और वो सिर्फ यू नो स्लम्बर्जर में और गूगल में और फेसबुक पे जॉब लगने में लगे रह गए और ईमान को उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया तो हमारी आने वाली नस्लें दज्जाल के फितने का यानी दज्जाल की आर्मी में सही बात और उन अस्फहान से 70,000 जूस के साथ मिलकर दज्जाल को रब मान रही होंगी बोले आयतु बिल्ला हमारे मुसलमानों के बेटे उनके वालिद जो है ना उनका नाम अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान होगा लेकिन वो फितने का शिकार हो जाएंगे डिपार्टिंग एडवाइस जो देना चाहूँगा जो लोग देख रहे हैं वो ये कि जिस अपने ईमान की बात की ना ईमान इज़ नॉट जस्ट नॉलेज नॉलेज तो इबलीस को भी था नॉलेज तो अबू जहल को भी था नॉलेज तो बहुत सारे लोगों को था जिन्होंने अम्बिया को कत्ल किया कि ये बात सच वो लोग कहते थे कि वल्लाह ये सच्चा नबी है इबलीस ज़्यादा अल्लाह को कौन जानता है उस तरह से तो नॉलेज इज़ नॉट ईमान ईमान इज तस्दीकुम बिलकल्ब व अमल बिलजवारह यानी दिल से उसको मान लेना कि वाकई में रब मैंने आपके सामने कल आना है और आपको मैंने जवाब देना है और इसके साथ अमल करना जो शख्स कहता है ना कि मैं बड़ा ईमान हूँ जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बड़ा ईमान है लेकिन वो अमल नहीं कर रहा तो दिस ही इज़ लाइंग क्योंकि जो बीज बोला बोझा जाता है डाला जाता है वो उभरता है निकलता है अगर exactly. दिल में ईमान का बीज है तो वो सामने नजर आएगा लाजमी सी बात है और